हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का INT हिंदी टेक चैनल में स्वागत करता हूं। और हर महीने की तरह इस महीना भी मैं वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको टॉप 5 बैंकिंग अपडेट्स के बारे में जानकारी दूंगा कि सितंबर मंथ से क्या कुछ अपडेट किए गए हैं, क्या कुछ चार्जेस में बदलाव किया गया है और क्या कुछ नया चार्ज लगाए जा रहे हैं। आपको पहले ही बताना चाहेंगे कि इस मंथ जो है काफ़ी सारे बैंकों की तरफ से बदलाव किए गए हैं और नया नया चार्जेस लागू किए हैं, चार्जेस बढ़ाया भी गया है और कुछ चार्जेस हटाया भी गया है। तो आइए इस वीडियो में बताती हैं डिटेल में। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 1 सितंबर 2022 से लागू हो या फिर सितंबर मंथ से, आपको ये जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहला अपडेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करती है, जो कि थोड़ी सी गुड न्यूज आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बार दे रही है। यहाँ पर आप पोर्टल पर देख सकती हैं, यहाँ पर 1 सितंबर 2022 से बताया गया है कि 100 रुपया जो चार्ज लगता था, जो आप स्टेटमेंट रीजनरेशन रिक्वेस्ट करते थे, वो अब आपको देना नहीं पड़ेगा। करंटली में ये जो चार्ज लिया जाता है, वो आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर से या फिर SBI के ब्रांच में जाकर स्टेटमेंट आप रीजनरेशन करवाती हैं, फिर से जनरेट करवाती हैं 2 मंथ ओल्ड वाला, तो उस स्थिति में चार्ज लिया जाता है। तो अब जो है 1 सितंबर 2022 से नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ें बता दी गई है। दूसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट है RBL बैंक की तरफ से। RBL बैंक जो है 1 सितंबर 2022 से एक प्रोसेसिंग फ़ी लागू कर रही है, जो कि 199 रुपया प्लस GST है। और ये जो प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, वो आपके EMI ट्रांजेक्शन पर लगेगा। RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट आउटलेट पर या फिर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के वाया जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे EMI के तौर पर, वहां पर आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा और 199 रुपया प्लस GST 1 सितंबर 2022 से लागू किए जा रहे हैं। उसके बाद एक और अपडेट सेंट्रल बैंक की तरफ से आया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि 1 सितंबर 2022 से जो यहाँ पर कार्ड की फ़ी था, उसमें कुछ बदलाव इन्होंने करा है। और क्या कुछ बदलाव किया गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड जो कि इश्योरेंस फी 950 रुपया लिया जाता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको 950 देना पड़ेगा 1/9/2022 से। रुपे प्लैटिनम के लिए अब आपको 300 रुपया का एनुअल मेंटेनेंस और इश्योरेंस फी देना पड़ेगा। रुपे बिजनेस कार्ड के लिए 499, उसके बाद वीज़ा EMV प्लैटिनम कार्ड के लिए 600, उसके बाद रुपे प्री जनरेशन क्लासिक कार्ड के लिए 200 रुपया की आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि इश्योरेंस चार्ज भी है और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी है। ठीक है, एड ऑन कार्ड लेते हैं तो वो वेरिएंट पर डिपेंड करता है। तो ये सेंट्रल बैंक की तरफ से अपडेट दिए गए हैं, 1/9/2022 से ये चीज़ें लागू किया जा रहा। अगला अपडेट है HDFC बैंक की तरफ से। HDFC बैंक 1 सितंबर 2022 से कुछ चार्जेस यहां पर लागू किए हैं, जो कि मैं आपको बता दूं मर्चेंट यूज़र के लिए है। और यहां पर ये चार्जेस जो है MDR को लेकर बताई गई है। इंटरनेशनल एंड कमर्शियल कार्ड ट्रांजेक्शन में 2.75%, जो कि पर ट्रांजेक्शन। उसके बाद डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड जो भी आता है वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मंथली चार्जेस जो कि मंथली वॉल्यूम के ऊपर दिया गया है, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ठीक है ना, यहाँ पर एक एक समझाने लगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। डीएक्टिवेशन चार्ज जो है 450 रुपया है पर टर्मिनल। ठीक है, पर टर्मिनल करके यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। बैच सेटलमेंट फ़ी जो है 1 रुपया और लेट सेटलमेंट फ़ी 0.5% या 499 रुपीज़ बता दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस पेमेंट गेटवे इसमें क्या है कि यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड को भी जोड़ा गया है, जहाँ पर 2.75% बताई गई है पर ट्रांजेक्शन करके। ठीक है, नेट बैंकिंग और VAS फैसिलिटी में यहां पर बताई गई है। ठीक है, जो कि इनका टर्म्स एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस स्मार्ट हब व्यापार ऐप, जो कि ओनली फॉर मर्चेंट के लिए। तो यहाँ पर क्रेडिट प्रीपेड कार्ड प्राइसिंग MDR बताई गई है 1.20% पर ट्रांजेक्शन की, और डेबिट कार्ड जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर बता दिया गया है कि जो RBI के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। कमर्शियल कार्ड ट्रांजेक्शन MDR 1.20% यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, ये जो है मर्चेंट वालों के लिए है, स्मार्ट हब व्यापार करके आ रहा।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट जो कि एक्सिस बैंक की तरफ से आ रही है। अगले अपडेट में एक्सिस बैंक की तरफ से क्या कुछ अपडेट है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि 15 सितंबर 2022 से एक्सिस बैंक के ACE क्रेडिट कार्ड जो कि गूगल पे का है, तो उस पर आपको जो है उससे आप ट्रांजेक्शन करेंगे जैसे गोल्ड परचेज, ज्वेलरी, तो इस पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करेंगे तो उस पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा 15 सितंबर 2022 से। एक्सिस बैंक का एक और अपडेट है जिसमें बताया गया है 10 सितंबर 2022 से चार्जेस एप्लीकेबल किया जाएगा, जो चार्जेस रहेंगे लेट पेमेंट चार्ज को लेकर। करेंटली कितना लग रहा ऊपर में देख सकते हैं और 10 सितंबर से कितना लगेगा वो देख सकते हैं। 500 से कम वाला में चार्ज नहीं है, 501 से लेकर 5000 वाला में 500 रुपया की चार्ज, 5001 से लेकर 10000 वाला में 750 और 10000 से ऊपर वाला में 1200 रुपया की चार्ज, ये वाला क्रेडिट कार्ड पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, सही समय से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको लेट पेमेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगला अपडेट जो कि यहाँ पर पांचों तो मैंने बता दिया, एक मैंने SBI के बारे में बताया, RBL बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक और पांचवा मैंने बताया एक्सिस बैंक। चलो कुछ फ्री अपडेट भी देख लेते हैं। तो फ्री अपडेट में क्या है कि ICICI बैंक जो है यहाँ पर रिवार्ड रिडीम्सन चालू कर दी है। अब आप लोग रिवार्ड रिडीम कर सकते हैं जिसमें अमेजोन पे का वाउचर, फ्लिपकार्ट का वाउचर, सारा कुछ आप ले सकती हैं। इनके तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आप रिवार्ड रिडीम कर सकती हैं, जो कि 15 अगस्त 2022 से ही चालू है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कैसे रिडीम करना है, इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। एक रिवार्ड बराबर 25 पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। एक और आखिरी की अपडेट देना चाहूंगा, अमेरिकन एक्सप्रेस पर जो RBI ने रोक लगाया था नया ग्राहक जोड़ने से, वो रोक हट चुका है। अब आप लोग MX का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ले सकते हैं, जो कि मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया कि 5 सितंबर 2022 से ये जो है अप्लाई करने की ऑप्शन देंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बता दिया है, 5 महत्वपूर्ण अपडेट मैंने बताया है। वैसे तो हर क्षेत्र में नया महीना आता है तो कुछ ना कुछ अपडेट किए जाते हैं और सारे बैंकों में अपडेट किया जाता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है ज़्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं जिस बैंक का, उसी का अपडेट देने का। तो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।